नमस्कार, मैं हूं अमन शुक्ला। आप देख रहे हैं वीके न्यूज एमपी। सोशल मीडिया के जरिए ठगी करने वाले अपराधी अब लोगों को नए नए तरीके से अपने जाल में फंसा रहे हैं। अपराधियों ने अब हनी ट्रैप गेम तैयार किया है, जो लोगों को पहले अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाती है और फिर ब्लैकमेल करती है। मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में इन दिनों ऐसे ही अनजान फोन कॉल सैकड़ों लोगों की मुसीबत का सबब बना हुआ है। मिस्ड कॉल, दोस्ती, प्यार और फिर ब्लैकमेलिंग, हनी ट्रैप गैंग की इस हरकत से शहरवासी इन दिनों परेशान हैं। कुछ हिम्मत कर पुलिस तक शिकायत करने पहुंच रहे हैं, तो कुछ बदनामी के डर से हनी ट्रैप के जाल में फंसते जा रहे हैं। ये चौंकाने वाला मामला जबलपुर शहर से सामने आया है, जहां स्टेट साइबर सेल के पास एक महीने के भीतर करीब एक दर्जन लिखित शिकायतें पहुंची हैं। इसमें उन्होंने शिकायत में बताया है कि हनी ट्रैप गैंग उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है। जबलपुर के साइबर सेल प्रभारी विपिन ताम्रकार ने बताया कि हनी ट्रैप गैंग बड़े ही शातिर अंदाज में किसी को भी अपने जाल में फंसाता है। पहले एक मिस्ड कॉल और उसके बाद दोस्ती बढ़ जाती है, और फिर बात धीरे धीरे व्हाट्सएप वीडियो कॉल तक पहुंच जाती है। फिर अश्लील बातें कर महिला लोगों के पर्सनल वीडियो को स्क्रीन रिकॉर्डर से रिकॉर्ड कर उसे ब्लैकमेलिंग करने का जरिया बना लेती हैं। खास बात तो ये है कि सबसे ज्यादा वो लोग इस गैंग का शिकार हो रहे हैं जो अधेड़ उम्र के हैं। स्टेट साइबर सेल के प्रभारी विपिन ताम्रकार के मुताबिक लगातार ऐसी शिकायतें बढ़ रही हैं। उन्होंने शहरवासियों से अपील की है कि किसी प्रकार के अनजान फोन कॉल्स को ना उठाएं। वहीं पुलिस का कहना है कि साइबर सेल में अब तक केवल 12 शिकायतें ही पहुंची हैं, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि वीडियो कॉल वाला ये हनी ट्रैप गैंग अब तक सैकड़ों लोगों को अपना शिकार बना चुका है। इसलिए जरूरत है जागरूकता की और ऐसे फर्जी लोगों के जाल से बचने की। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है, इसलिए आप सतर्क रहें और देखते रहें वीके न्यूज एमपी। और मध्य प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।